मुद्दा बनाने का, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने का राहुल गांधी और विपक्ष ने बड़ा प्रयास किया, मगर आज उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक को खारिज कर दिया कि राफेल में कोई धांधली हुई पारदर्शिता से हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने उसका अपना मत रखा है। अब राहुल गांधी और विपक्ष को देश से माफी ही नहीं मगर देश को वापस जाके बताना भी पड़ेगा कि वो भ्रमित क्यों कर रहे थे, क्या देश की सुरक्षा आज उनके वोट बैंक से ज्यादा हो जाती है, क्या वोट बैंक जो है वो उनको लगता है कि वो वोट पाले झूठ बोल के भ्रमित करके मगर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकते हैं। आज देश की जनता ये सब चीजें देख रही है, कौन भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहा है, चाहे विजय माल्या का मुद्दा हो चाहे कृष्ण मिकेल का हो और आज राफेल का भी साथ हो गया, देश इसमें जो काम करता है वो खाली मोदी और क्या इनके हाथ से एक बड़ा मुद्दा चला गया? नहीं, मुद्दा था ही नहीं, जब मुद्दा ही नहीं था वो मुद्दा बनाने में लगे हुए थे, कहते थे मैं 100 दफे झूठ बोलूंगा वो सच बन जाएगा, अब वो तो हो नहीं सकता था ना, तो उन्होंने प्रयास किया, मुद्दा जो था नहीं उसको बनाने का कोशिश करी।